हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु मंगल सिन्हा आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे चैनल ignoshiksha.com में। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे यूजीसी नेट की पेपर टू जो है, पेपर टू एडुकेशनल स्टडीज जो है, एडुकेशनल स्टडीज में एक टॉपिक है जो अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी ऑफ एडुकेशन, अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी ऑफ एडुकेशन, इसमें एक टॉपिक है जो है सिम्बोलिक इंटरेक्शन। आज हम सिंबॉलिक इंटरेक्शन के बारे में बात करेंगे। हमने कल के जो क्लास है इसमें हम बात किए थे अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी ऑफ एडुकेशन के बारे में। आज इनके अंदर एक टॉपिक जो है सिंबॉलिक इंटरेक्शन के बारे में डिटेल बात करेंगे। फ्रेंड्स, सिंबॉलिक इंटरेक्शन जो है ये बहुत ही इजी एक माइक्रो टॉपिक है। ये यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यह सिंबल के बारे में बात की जा रही है, सिंबॉलिक इंटरेक्शन के बारे में। दोस्तों, एक चीज देखिए, मैं ऐसा किया, ये क्या है, नमस्कार। तो नमस्कार, ये मेरे हाथ जो है, दोनों हाथ एक साथ है, हाथ जोड़ है, ये नमस्कार का सिंबल। तो हम इंडिया में जितने लोग हैं, ये नमस्कार जो है अपने समझ गया। ये सिंबल के द्वारा समझना, इंटरेक्शन करना, यही है सिंबॉलिक इंटरेक्शन। कई डिफिकल्ट कुछ नहीं है, ये वेरी वेरी इजी चीज है। तो ये देखते हैं दोस्तों क्या है सिंबॉलिक। ये जो वर्ड है सिंबॉलिक जो है, ये सिंबल से आया है। सिंबल यानी प्रतीक, चिन्ह, प्रतीक से आया है सिंबल। मैंने दोस्तों ऐसा लिखा, ये सिंबल देख के आपका पता हो जाएगा कि ये राइट है। अगर मैंने ऐसे किया तो ये सिंबल देख के आपका क्या पता होगा, ये रॉन्ग है, ये राइट नहीं है। यानी हम जब सिंबल के द्वारा कुछ चीजों को इंटरप्रेट करना चाहते हैं, कुछ चीजों को डिस्कस करना चाहते हैं, देन इट इज सिंबॉलिक। सिंबल के द्वारा, सिंबॉलिक, सिंबल के द्वारा कुछ जब होता है देन इट इज सिंबॉलिक। तो ये था, ये हो गया सिंबॉलिक इंटरेक्शन। क्या है इंटरेक्शन? ये है जब हम वन के साथ वन और मोर, एक के साथ एक या एक से ज्यादा लोगों का जब इंटरेक्शन होता है, ये उनका बात कहता है, हम हमारी बात कहते हैं, दैट इज इंटरेक्शन, अंतःक्रिया। एक के साथ दूसरे के जो भावना है, ये जब क्या होता है, सर्कुलेट होता है, देन इट इज इंटरेक्शन। इंटरेक्शन माने एक्शन होता है इसमें, एक के साथ दूसरे की जो भावनाओं की, थिंकिंग की, जो मीनिंग की एक्सप्रेस होता है, देन इट इज इंटरेक्शन। जो सिंबल में जब इंटरेक्शन होता है, देन इट इज सिंबॉलिक इंटरेक्शन। मैंने आपको ऐसे मार्कर को दिखाया, तो जो सामने अगर कोई बच्चा है तो वो समझ जाएगा कि मैं बोलता हूँ कि वो बच्चे को मार्कर लेने के लिए, यानी मैंने मुझ से तो कुछ नहीं कहा, मार्कर दिखाया, बच्चों दौड़ के आएगा, मार्कर लेके ले जाएगा। ये एक सिंबॉलिक इंटरेक्शन हो गया। तो दोस्तों, अब हम डिटेल में बात करते हैं। सिंबॉलिक इंटरेक्शन जो है, ये थियोरी जे एच मीड ने दी है। जे एच मीड एक अमेरिकन थे। ये जो सिंबॉलिक इंटरेक्शन का जो भावना है, ये अमेरिकन एक थिंकिंग है। जेएच मीड का जन्म हुआ है 1863 में, उनका डेथ हुआ है 1931 में। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शन जो है वो जेएच मीड ने पहला इनको बनाया है। जो हार्वर्ड ब्लोमर जो है, उन्होंने इस आइडिया को, सिंबॉलिक इंटरेक्शन जो आइडिया है, उनको बढ़ावा दिया, उसको ब्लोमिंग किया, फ्लोरिश किया। तो ये था जो एक्सपोनेंट के बारे में। इसमें एक थ्योरी है, जो थ्योरी आई मी थ्योरी, सिंबॉलिक इंटरेक्शन का जो थ्योरी है, ये आई मी थ्योरी।
आप दोस्तों बात करते हैं क्या टाइप्स क्या है, किस टाइप की इंटरेक्शन होता है, टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। देखिए इसमें जो हम इंटरेक्शन करते हैं ये इंटरेक्शन मैन के साथ मैन का हो सकता है, यानी ह्यूमन के साथ ह्यूमन की इंटरेक्शन हो सकता है, ये एक टाइप का इंटरेक्शन। दूसरे ये एक हो सकता है ह्यूमन के साथ कुछ एनिमल्स का इंटरेक्शन। आपने देखा होगा हमारे घर में जो पेट्स है हम बुलाते हैं तो वो दौड़ के आते हैं, हमको खाने का कुछ चीज देते हैं तो खा लेता है। दैट मीन्स इसमें एक इंटरेक्शन हो जाता है, इनके साथ ह्यूमन के साथ एनिमल्स का इंटरेक्शन हो जाता है। दूसरी तीसरी में ऐसे हो सकता है कि ह्यूमन्स का साथ मशीन के इंटरेक्शन। सपोज मान लीजिए आप कुछ डाटा को कलेक्ट करना चाहता है आपकी कंप्यूटर में, आपके पीसी में कुछ चीज को एक्सप्लोर करना चाहता है, आप इस डाटा को टाइप कर दी, कंप्यूटर ने आपको उस डाटा प्रोवाइड किए, आपको देखा है। दैट मीन्स इंटरेक्शन किसके बीच हुआ है, ह्यूमन के साथ मशीन का हुआ है। सो ये इंटरेक्शन कई टाइप का हो जाता है, ह्यूमन के साथ ह्यूमन होता है, ह्यूमन के साथ नेचर का होता है, ह्यूमन के साथ मशीन का होता है, ह्यूमन के साथ पेट्स का होता है, इसमें एक इंटरेक्शन होता है। तो देखिए ये जो इंटरेक्शन है ये दो टाइप के होते हैं, एक है प्राइमरी इंटरेक्शन। प्राइमरी इंटरेक्शन क्या है, इस प्राइमरी इंटरेक्शन में हम प्रेफर करते हैं फेस टू फेस इंटरेक्शन। सपोज मेरे सामने मेरे एक फ्रेंड बैठे हैं, मैं उनके साथ बात कर रहा हूं, ये क्या है प्राइमरी इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, क्या होता है फेस टू फेस इंटरेक्शन। जो आदमी मेरे सामने बैठा है, मैं क्लास ले रहा हूं कॉलेज में, तो मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं, वो लोग मेरे से सवाल कर रहे हैं, मैं उनका आंसर कर रहा हूं, ये क्या है प्राइमरी इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है फेस टू फेस इंटरेक्शन होते हैं। दूसरे जो टाइप है ये है सेकेंडरी टाइप का इंटरेक्शन होता है। सेकेंडरी टाइप का इंटरेक्शन जो है ये फेस टू फेस नहीं हो सकते। सपोज आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हो दूर से, मेरे साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होते, लेकिन मेरे जितना इमोशन से मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ आप सुन सकते हो, ये भी एक इंटरेक्शन होता है, ये फेस टू फेस नहीं, ये सेकेंडरी इंटरेक्शन होता है। तो फ्रेंड्स एक बात सोचिए, जो हम कितने ह्यूमंस है, इनका जो आइडियाज है, इनका जो भावनाएं है, ये बहुत ही अलग अलग है, इंटरेक्शन भी अलग अलग होता है। तो जो सिंबॉलिक इंटरेक्शन के बारे में जो बात हो रहा है, ये सिंबल भी सभी प्लेसेस में एक जैसा नहीं होते हैं, इंटरेक्शन भी सभी प्लेसेस में एक जैसा नहीं होता है। सिंबल किसके पर डिपेंड करता है, जो मीनिंग के पर डिपेंड करता है, इस सिंबल ने क्या मीनिंग दिखाता है उसके ऊपर हमारा जो इंटरेक्शन है वो डिपेंड करता है। डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट पीपल, जो डिफरेंट पीपल होता है ना उनके पास कुछ सिंबल का जो मीनिंग है वो अलग हो सकता है। एक सिंबल का मीनिंग जो त्रिपुरा में एक्स जैसा हो सकता है, जो चेन्नई में इसका मीनिंग कुछ और भी हो सकता है। तो प्लेसेस के अनुसार जो सिंबल उनका जो मीनिंग है वो चेंज भी हो सकता है। सो इंटरेक्शन करने के लिए जो सही होगा ये होगा कि ये अंडरस्टैंडेबल भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंबॉलिक इंटरेक्शन जो है वो अंडरस्टैंडेबल भी होना चाहिए। जो इंटरेक्शन होगा, जो सिंबॉलिक सिंबॉलिक इंटरेक्शन होगा, उनका मीनिंग चेंज होता हो सकता है डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट कम्युनिटीज
different action में different meaning हो सकता है. कुछ symbol का meaning teacher अगर ऐसे write करे तो ये क्या है, ये हम मान सकते हैं कि student ने जो लिखा है ये write हो गया. अगर ways में ऐसा लिख दे तो student ने student के teacher ने student का जो evaluation box में notebook से ये answers कितने ऐसे cross किया है, that means it is wrong. अगर ये चिन ये जो symbol है ये कुछ रास्ते में board में अगर ऐसे लगाया गया है, then हम क्या समझेंगे, ये रास्ता सामने से close है. यानी different arena में इनका जो symbol है इनका meaning भी कुछ अलग होता है. सिंबल का मीनिंग सभी जगह एक जैसा नहीं रहता है. तो फ्रेंड्स, ये था सिंबलिक इंटरेक्शन के बारे में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमने बात कर ली. और तो फ्रेंड्स, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, पहला है ये किसने किए ये थ्योरी, उनको हर्बर्ट ब्लोमार के बारे में जो बात है ये हमको जानना चाहिए. ये प्राइमरी इंटरेक्शन क्या है, सेकेंडरी इंटरेक्शन क्या है, और उसके साथ हमने याद रखना है कि आई मी थ्योरी. ये इतना बस याद रखने से सिंबॉलिक इंटरेक्शन का जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही है. ऑल्सो थैंक्स फ्रेंड, आपने इतना टाइम में हमारे वीडियो को देखा. प्लीज आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब किया तो आप सभी को बहुत बहुत ही धन्यवाद है, थैंक्स है. प्लीज देखते रहिए, सीखते रहिए. बाय बाय, थैंक यू.